हेलो, वेलकम टू माय रेसिपीज। आज मैं बनाऊंगी कॉर्न पटेटो टिक्की। बहुत ही टेस्टी लगती है ये और बहुत इजी है बनाना और हेल्दी भी बहुत है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को बहुत पसंद आने वाली है और फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को। तो शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया बड़ा वाला, और मैंने आलू पहले ही बॉईल कर रखे थे, और मैंने यहाँ पे दो छोटे मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और उनको बॉईल कर लिया था पहले और छिलका हटा लिया। और इस तरीके से फॉक से इसको मैश कर लेंगे। तो आलू को इस तरीके से मैश कर लेंगे, और ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पे ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो आपको जैसा स्पाइसी खाना पसंद हो उस हिसाब से हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली, और अब डाल रही हूँ मैं कॉर्न। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिया और उनको बॉईल कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे इसको 4-5 मिनट के लिए उबाल लिया था और पानी निकाल के और इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया, और इसको पीसा नहीं है मैंने ग्राइंडर में। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने एक प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक साबुत प्याज ऐड कर दिया और बारीक बारीक कट कर लिया था। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे ये मैंने हरी मिर्च और नहीं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। और यहाँ पे ऐड किया मैंने हरा धनिया, तो ये सब ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं लाल मिर्च। तो आप जैसा तीखा तीखा खाना पसंद करें उस हिसाब से डालें, अदरवाइज आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी और सॉल्ट ऐड कर दिया। और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं ये आधा कप बेसन। तो मैंने 2 आलू और एक छोटी बॉल कॉर्न लिया था, उसमें आधा कप बेसन ले लिया मैंने। तो सॉल्ट अपने मन जैसे टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं पानी ऐड नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, वो चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हाथों से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। तो मैं चम्मच हटा रही हूँ क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होती है। तो अब इसको हाथों से मैश करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से अच्छे से एक डो की तरह तैयार कर लेंगे इसको। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं है इसमें। और ये देखिए अच्छे से मैंने डो की तरह तैयार कर लिया। और अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया मैंने, ज़्यादा देर नहीं है, ऑनली 1-2 मिनट के लिए बस। और ये ऑयल ले लिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया। और ऑयल इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि हाथों पे ऑयल लगाने से टिक्की चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया, और छोटी छोटी सी जैसे लोई लेते हैं इस तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी सी लेमन की साइज़ की, छोटे लेमन की साइज़ की मैंने ये टिक्की बना के रख रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको मैं टिक्की को शेप दे रही हूँ, और ये देखिए इस तरीके से। और सारी टिक्की इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। तो इसी तरीके से बना के रख दूँगी सारी टिक्की। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से दूसरी भी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। तो सारी टिक्की इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के, ये देखिए इस तरीके से। तो जो सारी टिक्की है उसको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। और ये देखिए इसी तरीके से सारी टिक्की बना के तैयार कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप बनाना ज़रूर, बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं पड़ता। तो ये भी बन के तैयार हो गई। तो इसी तरीके से मैंने सारी टिक्की है कॉर्न की, तो वो बना के रख ली है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारी टिक्की बना के तैयार कर ली। ये देखिए बन के तैयार हो चुकी है। तो सबको इसी तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए अब थोड़ा सा बच गया, तो इसको भी इसी तरीके से बना लूँगी मैं। और यहाँ पे एक पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला था, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। तो मैंने सारी टिक्की है जो ऑयल में डाल दी, और मीडियम फ्लेम पे फ्लेम कर रखा है मैंने गैस का। और अब इसको फ्राई होने देंगे। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, आप चाहे तो बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको, टिक्की को। तो मैंने ज़्यादा ना तो कम ऑयल लिया है ना ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा ठीक ठीक लिया। और अब इनको इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल दिया। और अब थोड़ी सी जब ये फ्राई होने लग जाएगी तो इसको पलट लेंगे। तो इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल दिया मैंने, और अब इसको थोड़ी सी सिकने लगी है तो
तो अब इसको पलट लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सिक्की तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी सिक्की है टिक्की। तो अब इसको सबको इसी तरीके से पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पलट ली, और ये बची है उनको भी पलट लेंगे इसी तरीके से। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि जो टिक्की है वो कच्ची ना रहे, क्योंकि इसमें मैंने बेसन भी ऐड किया है तो कच्चा ना रहे बेसन। तो अच्छे से सिकने देंगे, फ्राई होने देंगे टिक्की को, और जब टिक्की बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर इसको निकाल लेंगे टिश्यू पे। तो सिकने लग गई है, तो फ्राई होने लग गई है टिक्की। तो अब क्या करना है, इसको पलटते रहेंगे, थोड़ा सा पलट पलट कर देंगे इसको। और गैस का फ्लेम वही मीडियम कर रखा है, लो पे भी ना सेके वरना थोड़ा सा ऑयल लेती है। तो मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ मैं। और ये देखिए अब लगभग तैयार हो चुकी है टिक्की, तो अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इनका क्या करना है, अब एक टिश्यू लेना है और इनको निकाल लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिक्की में ना रहे। तो ये देखिए टिक्की बहुत ही अच्छी सिक चुकी है, तो अब इनको निकाल लेते हैं। तो सारी टिक्की को एक टिश्यू में निकाल लेंगे, और ये देखिए सबको निकाल लिया मैंने, और एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी टिक्की बन के तैयार हुई है। आपको बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर करना। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को, और इसको सॉस या हरी चटनी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार आप। सॉस पसंद हो तो सॉस, या बट हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।